गाइस आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और गाइस आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में मैसेज एप्लीकेशन जो है वो यहां पे वर्क नहीं कर रहा है, आप यहां पे किसी को भी एसएमएस सेंड नहीं कर पा रहे हैं और आपके फ़ोन में बिल्कुल भी मैसेज एप्लीकेशन जो है वो वर्क नहीं करता है, तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेशन का, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स करके एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे जो कि आपके फ़ोन में स्टोर रहेंगे, तो यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है मैसेज करके। जैसे ही आप मैसेज करके सर्च करेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे स्टोरेज वाला ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट में, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा क्लियर करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लियर डाटा कर देना है यानी कि क्लियर कैचे कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे आप क्लियर कैचे करेंगे, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जैसे ही क्लियर कैचे करेंगे उसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको ऐप परमिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है ऐप परमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एसएमएस करके एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एसएमएस करके ऑप्शन दिखाई दे रहा था उसको आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपको एसएमएस का परमिशन दे देना है अपने फ़ोन में। उसके बाद दोस्तों आपको बिल्कुल भी कोई भी सेटिंग्स अपने फ़ोन में नहीं करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा था मैसेज एप्लीकेशन, बिल्कुल भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, एसएमएस यहाँ पे बिल्कुल भी सेंड नहीं हो रहा था, तो वो जो प्रॉब्लम है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।